दो सेंचुरी और एक डबल सेंचुरी, ये कारनामा करके दिखाया है टीम इंडिया के हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा ने। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स में और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट ऋतिक। और आज रोहित शर्मा पर, या कहें दी रोहित शर्मा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से गलत प्रूफ किया है टीम इंडिया को ही, टीम इंडिया के कोच को, टीम इंडिया के कप्तान को और जो बीसीसीआई के उस वक्त के टीम सिलेक्शन कमेटी के जो लोग होंगे उनको, ये वाकई काबिलियत भरा है। कमाल जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। और आज इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार अमन जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सवाल कहूं या कहूं प्रतिक्रिया दीजिए, क्या कहेंगे आप रोहित शर्मा पर? देखिए, बिल्कुल रोहित शर्मा का जिक्र आप कर रहे हैं और आज ही टेस्ट मैच में इंडिया ने 3-0 से फतेह और ये बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी फतेह है और एक ऐसा कारनामा है जो शायद आपसे पहले आप हम सिर्फ सोच पाते थे कि ये हो पाएगा और एक समय के साउथ अफ्रीका हम लोग अपने घर पर इस तरह से हरा पाएंगे। और देखिए, बिल्कुल 3-0 से हराना कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह टीम यूनाइट हुई है, देखिए सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो जरूर होना चाहिए। आपके बल्लेबाज अगर रन बनाते हैं, गेंदबाज अगर 20 विकेट नहीं निकाल पाए तब भी आप टेस्ट मैच नहीं जीत पाएंगे। यानी कि अगर गेंदबाज अपना काम कर रहे हैं और बल्लेबाज अगर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें भी आप, ये एक टीम गेम है और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा का आपने जिक्र किया है तो बिल्कुल शुरुआत उनसे होती है, ओपन करने आ रहे हैं और क्या कमाल ओपन कर रहे हैं। देखिए, तीन टेस्ट और तीनों में 3 शतक, उसमें से अगर एक शतक की बात की जाए तो एक दोहरा शतक, यानी दो शतक। ये एक ऐसा कमाल का रिकॉर्ड है जो रोहित शर्मा ही मेरे ख्याल से बना सकते हैं, क्योंकि शतकों की भूख जिस तरह से उनके अंदर जागी है रनों की भूख के बाद, हाँ वो लगातार देखने को मिल रही है। सर, आपने अभी कहा कि रनों की भूख, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा है कि रोहित अब खुद से बदला ले रहा है, रोहित को पता चल गया उसकी काबिलियत क्या है। देखिए, बिल्कुल काबिलियत तो पहले से हमें पता है, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड कप में उन्होंने लगातार शतकों पर शतक लगाए, उसके बाद वेस्ट इंडीज टूर पे जिस तरह से उनको मौका नहीं दिया, टेस्ट मैच में शामिल थे लेकिन फिर भी बाहर बैठा कर रखा गया, तो उस समय भी शायद उनके टैलेंट के बारे में पता था। वेस्ट इंडीज का दौरा तो नहीं जो कहीं ना कहीं मन में खटास है, बिल्कुल, और कोच भी ने और कप्तान ने भी, और उस समय केएल राहुल लगातार फ्लॉप भी हो रहे थे, लगातार लोग बात कर रहे थे कि भाई आखिर क्यों जो रोहित शर्मा को मौका नहीं दिया जा रहा। और मुझे याद है अभी भी वहीं पर उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप मुझसे ओपन कराना चाहते हैं तो मैं ओपन भी करूंगा, आप मुझसे अगर मिडिल ऑर्डर में चाहते हैं बैटिंग करो तो मैं वहां पर ही बैटिंग करूंगा, बस मुझे खेलने के लिए मौका दीजिए आप। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि जब आप रोहित शर्मा को इंडिया में मौका मिलता है, टेस्ट मैच में मौका मिलता है और उससे पहले भी जब प्रैक्टिस मैच होता है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाते हैं, यानी कि जल्दी आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये बात कही जाने लगी कि रोहित शर्मा जो है वो शायद टेस्ट के लिए नहीं बने हैं, लेकिन उसके बाद जरा देखिए किस तरह की बल्लेबाजी उनके उन्होंने करके दिखाई है और किस तरह की आग उनके बल्ले से निकली है, किस तरह की रनों का जो अंबार है वो खड़ा किया उन्होंने, तो ये बताता है कि रोहित शर्मा अपने आप में वाकई स्पेशल है, बहुत अलग तरह का टैलेंट है जो टेस्ट, T20 और ODI में एकदम समान रूप से खेल सकते हैं। शोएब अख्तर ने कहा है कि अब दुनिया मानेगी कि रोहित शर्मा कितने महान बल्लेबाज। जी बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि ODI में तो उनका वर्चस्व है, बोलते हैं बल्ला उनका, और वहीं टेस्ट की बात हो रही थी लगातार, हाँ टेस्ट में जरूर उनको कुछ मौके मिले लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में खेले और उतने उनके ज्यादा मौके भी नहीं थे, और उसके बाद वो लगातार छटपटा रहे थे कि इस तरह से मुझे टेस्ट में मौका मिलना चाहिए। देखिए, क्योंकि एक बल्लेबाज है उसको ये जरूर हमेशा उसके मन में आता है कि एक जो है ODI का बल्लेबाज तो मैं बन गया हूँ, मुझे टेस्ट में ही मौका मिलना चाहिए क्योंकि कंप्लीट संपूर्ण बल्लेबाज में तभी बन पाऊंगा। उसके बाद उनको मौका दिया गया और देखिए तीनों टेस्ट मैच में क्या कमाल की बैटिंग उन्होंने की है, क्या कमाल कर उन्होंने शतक लगाया, क्या कमाल कर उन्होंने साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों को धोया है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है एक बल्लेबाज के तौर पर, एक खासकर सलामी बल्लेबाज के तौर पर, क्योंकि नई गेंद का सामना करना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस, एक अलग तरह का टेस्ट है, तो उसमें पूरी तरह से मैं सोचता हूँ खड़े उतरे हैं रोहित शर्मा और एक नया आयाम दिया है क्रिकेट को, भारतीय क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को, तो जाहिर बात है आने वाले दिनों में और भी टीमें। जी, ऐसा लगता है कि जो रांची में ये 3-0 से फतह की गई है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो मैच था ये टेस्ट, और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने धोनी को भी ट्रिब्यूट दिया, धोनी कितने खुश होंगे इस बात से? बिल्कुल बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि जाहिर बात है 3-0 से आप अपने घर में साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हरा रहे हो और लास्ट जो टेस्ट है वो रांची में हो रहा है, धोनी के घर पे यानी होम ग्राउंड में हो रहा है, तो जाहिर बात है उनको भी खुशी जरूर हुई होगी, क्योंकि क्रिकेट में इंडियन टीम वाकई एक पायदान जरूर आगे बढ़ गई है। ऐसे में जब से दादा पहुंची, हाँ जब से दादा का नाम सुना है उसके बाद तो लग रहा है टीम में एक नए जोश में आ गई, और हरभजन सिंह ने कहा भी था कि दादा ही कहीं ना कहीं वजह थे कि रोहित शर्मा को ओपन कराया जाएगा, लगातार उन्होंने बोला भी, बयान भी दिए कि रोहित शर्मा से ओपन करने में हर्जी क्या है, और जाहिर बात है उसके बाद ही कहीं ना कहीं ओपन के लिए तैयार हुए और देखिए क्या कमाल की बैटिंग उन्होंने की है। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा एक नए रोहित शर्मा बनकर उभरे इस टेस्ट सीरीज के बाद, जिनको दुनिया काफी कुछ सीखा होगा उन्होंने सर, बिल्कुल मैच से और इस मैच में भी काफी कुछ सीखा होगा। बिल्कुल, लगातार चर्चाएं होती थी विराट कोहली रोहित शर्मा को लेकर, दोनों में आपस में बनती नहीं है शायद, इसीलिए दोनों जो मौका नहीं दिया जा रहा, रवि शास्त्री को लेकर तमाम बातें होती थी कि शायद वो भी इनके इसके लिए जिम्मेदार है कि उनको टेस्ट क्रिकेट में मौका नहीं दिया जा रहा है, तमाम सारी बातें, तमाम सारे सवाल थे, लेकिन कुल मिलाकर एक
मौका मिला रोहित शर्मा को, उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि मेरे अंदर टेस्ट क्रिकेट खेलने का भी बहुत ज्यादा मादा है, बट मुझे मौका मिलना चाहिए। जी सर, एक आखिरी सवाल शो को वाइंड अप करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि रोहित शर्मा ने जिस तरीके से पहली जो पहली सीरीज थी वो वाइजैग विशाखापट्टनम में खेला गया, वहाँ उन्होंने सेंचुरी करी, उसके बाद पुणे में उनका बल्ला खामोश रहा, लेकिन रांची में जिस तरीके से डबल सेंचुरी सर। बिल्कुल, और एक ही सबसे कमाल की बात यह है कि एक पारी में सिर्फ वो असफल रहे, जो पुणे की आप बात करें वहां पर उनको सिर्फ एक ही पारी खेलने का मौका मिला है, लेकिन उससे पहले विशाखापट्टनम में दोनों पारी में शतक, लेकिन पुणे में विराट चल गए। बिल्कुल विराट चले, और यही सबसे बड़ी बात है कि बल्लेबाजी किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर अगर विराट नहीं खेलेंगे तो रोहित शर्मा शतक मारेंगे, रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे तो रहाणे निकल कर आ जाएंगे, रहाणे नहीं खेलेंगे तो पुजारा है। तो ये जब इस तरह की बैटिंग लाइनअप होती है तो सामने वाली टीम हमेशा खौफ खाती है, क्योंकि मुझे याद जब इंडियन टीम खेलती थी सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण, सहवाग, राहुल द्रविड़, गांगुली, ऐसे बड़े बड़े नाम होते थे, तो ये होता है कि डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, और बिल्कुल वही टीम अब नजर आ रही है, और ये सबसे बड़ी बात है कि रोहित शर्मा ने खुद को प्रूफ करके दिखा दिया है। जी बहुत शुक्रिया सर हमसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो रोहित शर्मा जिस तरीके से सामने निकल कर आए हैं, जिस तरीके से सामने उभर कर आए हैं, एक खिलता हुआ फूल कह सकते हैं आप उनको, क्योंकि जिस तरीके से वो उन्हें वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर नेग्लेक्ट किया गया, उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई, कहा जा रहा था टीम 15 में शामिल है लेकिन टीम 11 में नहीं खिलाया गया, कहीं ना कहीं इस साउथ अफ्रीका के सीरीज से बहुत कुछ सीखा, बहुत बड़ा योगदान साउथ अफ्रीका के बॉलर का भी, क्योंकि जब तक अगर रोहित शर्मा उनको धोते नहीं तब तक वो अपने आप को साबित कर नहीं पाते, तो जो गेंदबाजी उनकी रही और इंडिया में खुद जीतना वो भी बहुत बड़ी बात होती है, एक अचीवमेंट ही है। और कहीं ना कहीं जैसा कि सर ने कहा कि दादा के अध्यक्ष बनते के साथ ही जिस तरीके से टीम इंडिया में एक जोश आया है वो भी काबिल तारीफ है। तो स्पोर्ट्स की सारी लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट एन स्पोर्ट्स को। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार एंड टेक केयर।